दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका की हार ने ना सिर्फ पाकिस्तान की उम्मीदें जिंदा कर दी बल्कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के लिए भी कुछ परेशानी खड़ी कर दी है। यानी साउथ अफ्रीका और इंडिया भी अब इस समीकरण में फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से जीत जाता तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती और साउथ अफ्रीका और इंडिया के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता। इन दोनों ही टीमों के लिए आने वाले जो मैचेस है उस पर कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीता अब साउथ अफ्रीका और इंडिया के लिए भी कुछ परेशानी खड़ी हो गई है। वो क्या है आपको बताते हैं। दोस्तों ये पॉइंट टेबल है। अगर साउथ अफ्रीका आज पाकिस्तान से जीत जाता तो साउथ अफ्रीका के 7 पॉइंट हो जाते और पाकिस्तान के 2 ही पॉइंट रहते। ऐसे में पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाता। लेकिन अब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीत गया तो पॉइंट टेबल की जंग रोमांचक हो गई है। अब भारत और साउथ अफ्रीका को अपना अगला मुकाबला जीतना ही होगा। अगर भारत और साउथ अफ्रीका में से कोई भी अपना अगला मुकाबला हारा, भारत का जिम्बाब्वे से है और साउथ अफ्रीका का नीदरलैंड से है, कोई भी अपना अगला मुकाबला हारा या फिर बारिश की वजह से दूसरी टीम जीत गई, तो पाकिस्तान इसका भरपूर फायदा उठाना चाहेगा और पाकिस्तान चाहेगा कि वो बांग्लादेश से अच्छे रन रेट से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाए। तो ऐसे में पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत ने अब इस पॉइंट टेबल को 3 टीमों में खोल दिया है, बल्कि बांग्लादेश के पास भी चांस है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जीत साउथ अफ्रीका और भारत के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर गई है। लेकिन अगर भारत और साउथ अफ्रीका अपना आखिरी मुकाबला जीत जाता है तो फिर कोई समीकरण नहीं देखा जाएगा, दोनों सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी। लेकिन कहीं पर भी चूक हुई भारत से या फिर साउथ अफ्रीका से तो इसका फायदा पाकिस्तान को मिल सकता है। तो ऐसे में अब 6 नवंबर को देखना है कि कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।